नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। कल ही संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं श्रीमती सोनिया गांधी। राहुल गांधी बड़े ही आक्रामक तेवर में नजर आए और उन्होंने ये कहा कि उनके 52 सांसद भारी पड़ेंगे बीजेपी के नेता पर और बीजेपी के सांसदों पर, और उन्होंने ये कहा कि वो वही आक्रामक तेवर इंच इंच का हिसाब लेंगे। अब वो पता नहीं किस इंच इंच का हिसाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में बड़ी करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने इस्तीफे की तो पेशकश की थी लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया। चलिए इसी बीच हम राजनीति के बुद्धिजीवियों से हम बात करेंगे। सर ये बताइए किस इंच इंच की बात कर रहे हैं, इतनी करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस पार्टी को, उस पर मंथन करने के बजाय अपनी अभी भी पीठ थपथपा रहे हैं? नहीं नहीं, वो उनको आक्रामक रहना ही चाहिए। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि जंगल में चुटकुला था कि जंगल में जा रहे थे, सामने बब्बर शेर आ गया तो सरदार जी थे तो पूछा कि फिर आपने क्या किया? क्या मैंने क्या किया, जो किया शेर ने किया। फिर तो वही स्थिति राहुल गांधी की है, इनको खूब आक्रामक होना चाहिए, खूब आक्रामक। ऐसे ही चौकीदार चोर है जैसे स्लोगन देते रहे। और रही बची जो प्रियंका का एक उम्मीद थी हम लोग को कि आएंगी तो वो जान फूंक देंगी, तो इस बार वो भी टाटा फिस्ट हो गया। उनका भी जो है माहौल गड़बड़ा गया। बेचारे राहुल सोचे थे कि वायनाड से हम जीतेंगे और अमेठी से जीतेंगे, फिर अमेठी सीट छोड़ देंगे, उस पर प्रियंका को लड़ाएंगे, वो सारी गणित उनकी गड़बड़ा गई। तो बौखलाए हुए हैं कुछ ना कुछ। देखिए अब राहुल ममता गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कुछ दिन इन लोग को छोड़ दीजिए, ये सब एकदम बौरा गए हैं, बौखला गए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ये सब इस समय। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की पीठ थपथपाई है कि बेहद आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी 5 साल दिखे, एक तरीके से उनके इस नेतृत्व को अभी भी सराहना कर रही हैं सोनिया गांधी। क्या मजबूरी है, क्या वंशवाद से क्यों अभी तक कांग्रेस पार्टी समझौता नहीं कर रही? कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी या गांधी परिवार को छोड़ देता है तो कांग्रेस पार्टी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगी, और गांधी परिवार अगर कांग्रेस को छोड़ देती है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। सोनिया गांधी ने पीठ थपथपाया तो उसका कारण है, बड़े घर का लड़का है, मनबढ़ा लड़का है और आवारा है, उसको आवारा आप कह सकते हैं, उसको कुछ नहीं आता राजनीति का ABCD। अगर उसकी पीठ नहीं थपथपाएंगी तो वो पता नहीं कब भाग जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। वो राजनीति में जबरदस्ती लाया गया है, वो राजनीति उसका शौक नहीं है, जबरदस्ती लाया गया है, तो उसको पीठ अगर नहीं थपथपाएंगी माता जी तो भाग जाएगा। और जहाँ तक नेता का चुनाव है तो सोनिया गांधी ने प्रमाणित कर दिया कि नेहरू परिवार ही नेतृत्व कर सकता है कांग्रेस का, दूसरा कोई सक्षम नहीं है। और रही तीसरी बात, एक एक इंच का ये हिसाब जो लेने की बात कर रहे हैं आप लोग समझ नहीं पा रहे, एक एक इंच का मतलब एक एक इंच जमीन, जो जमीन दामाद जी ने हड़पा है, जो भारत सरकार ने जब्त किया है, जो नेशनल हेराल्ड मामले में इनकी संपत्ति जब्त की गई है, उस एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। ये राजनीति में कोई जमीन नहीं होती, राजनीति में एक एक इंच के लिए नहीं लड़ा जाता है, राजनीति में एक एक सीट के लिए लड़ा जाता है। एक एक इंच की लड़ाई सिर्फ जमीनों की होती है, और वो अब जमीन अपने जमीन का मतलब कि अपने परिवार के लिए, एक एक इंच का जमीन का मतलब अब अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रही है कांग्रेस, उसकी तैयारी कर रही है। प्रियंका वाड्रा ने भी चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कहा था बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों नेता से कि आपने मेरे भाई का साथ नहीं दिया, जो भाई की ललकार थी, जो चौकीदार के लिए वो शब्द जो इस्तेमाल कर रहे थे उस ओंकार को और मजबूत नहीं किया। एक तरीके से जो राफेल मुद्दे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी, उस पर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, ऐसा आरोप था प्रियंका वाड्रा। ऐसा है कि साथ नहीं दिया कि इन्होंने किसी का साथ नहीं लिया। हर दल अपने कुछ स्टार प्रचारक का नाम अनाउंस करते हैं चुनाव में, और वो कमेटी का गठन होता है, वो चुनाव को संचालित करती है। गांधी नेहरू परिवार तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी परिवार के लोग संचालित करते हैं, उसी परिवार के लोग पार्टी को चलाते हैं। तो सवाल है साथ देगा कोई कैसे? आपने सबके लड़कों को टिकट दे दिया, सब अपने अपने लड़के में व्यस्त हो गए। और ऐसा है कि प्रियंका गांधी तो सुरपरखा की तरह आई राजनीति में, आई थी कि सबको मोहित करके हम अपने वश में कर लेंगे, लेकिन इधर नाक कट गई। दिक्कत यह है कि सुरपरखा गांधी बहुत चालाकी से राजनीति में उनका प्रवेश हुआ था। प्रवेश ये हुआ था कि वो अपने पति के उस कावे पर राजनीति में आगे बढ़ी और माता जी को पकड़ के, राहुल गांधी कतई नहीं चाहते थे इनको राजनीति में लाना,
आपको बता दूं स्पष्ट बात कि राहुल गांधी जानते थे कि ये राजनीति में आएगी तो राजनीति में खेमेबाजी होगी और वही हुआ भी राजनीति में। जब प्रियंका गांधी आई तो खेमा खड़ा हो गया और लोग कहने लगे इसकी आँख इंदिरा गांधी से मिलती है, नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। ये सब स्लोगन चले थे प्रियंका गांधी को पॉपुलर कराने के लिए।